हेलो स्टूडेंट्स, क्या चाल है भाई? तो चालू करें जितेंद्र सर। जी सर, स्लॉट नंबर 3 रहेगा अपना एनिमल किंगडम का, और कंबाइंड इनमें क्वेश्चन हमने दे रखे हैं। करने को हम टॉपिक वाइज भी इनको कर सकते थे, पहले एस के तक करवा देते, उसके बाद में हैमी तक करवा देते, हैमी को डेटा, उसके बाद में को डेटा करवा देते, लेकिन कंबाइंड देने का मतलब हो गया आप रिलेट कर पाओगे इन टॉपिक्स को आपस में। ठीक है, जो भी फीचर्स हैं उन फीचर को आपस में रिलेट करना ही जरूरी है, और सारा खेल यहाँ पर रिलेशन का ही है जी। और डाइवर्सिटी अगर आपको डिटेल में जाकर पढ़नी है, गहराई में जाकर पढ़नी है, गहराई का मतलब इतना ही है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, पीएचडी नहीं करनी है अपने को, ज्यादा की जरूरत भी नहीं, ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। अब इसका मतलब ये भी नहीं है नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ऐसे तो करना ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। तो भैया ये है कि इन एनसीईआरटी के टॉपिक्स को आपस में रिलेट करने के लिए रेंडम इन क्वेश्चन को जो है हमने सफल कर रखा है। क्लियर, तो चालू करें जितेंद्र सर। जी ये लीजिए सर जी, स्किन ऑफ लैम्प्रे जूलॉजिकल नेम तो इसका पेट्रोमाइजोन है, और कॉमनली इसको लैम्प्रे लिखा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने इटैलिक्स में लिख रखा है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये कॉमन नेम है इसका। ठीक है, तो ये कॉमन नेम कहलाएगा। स्किन ऑफ लैम्प्रे कैसी होती है? तो लैम्प्रे जो साइक्लोस्टोमेट्स हैं उनमें साफ एनसीईआरटी में एक बात लिखी है कि ये डिवॉइड होते हैं स्केल्स के, स्केल्स नहीं पाई जाती हैं, और पेयर्ड फिन भी नहीं पाए जाते हैं, पेयर्ड फिन्स भी नहीं, अनपेयर्ड। हाँ, तो पेयर्ड फिन की भी अब्सेंस होगी, और जो स्केल्स हैं वो भी स्किन पर नहीं पाए जाएंगे, लेकिन स्किन समवॉट ग्लैंडुलर टाइप की होती है। हाँ, कुछ ग्लैंड्स होती हैं। हाँ, ग्लैंड्स होती हैं, तो यहाँ पर मॉइस्ट वर्ड जो है वो प्रॉपरली काम में नहीं लिया जाना चाहिए, म्यूसिलेजिनस विदाउट स्केल्स। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं। जी सर, लैम्प्रे लिव इन मैरीन एनवायरनमेंट बट माइग्रेट टू रिवर्स फॉर द पर्पज ऑफ। ये जो लैम्प्री है इसके लिए पूछा कि मैरीन एनवायरनमेंट में, लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेश वाटर में मूव करता है बिल्कुल, और अपनी अडल्ट स्टेज वयस्क अवस्था में करता है। जी जी जी, और नर और मादा एक साथ करते हैं बिल्कुल बिल्कुल, और समुद्र को ओशियन को रिवर से कुछ एस्टुरीज कनेक्ट करती है, उनके माध्यम से ये नदी में पहुंच जाते हैं। ठीक है ठीक है, वहां आने के बाद में ये जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं बिल्कुल, एक रिलीज फिर फीमेल करती ओके। है, और उसके बाद में एक देने के बाद में जो जो दोनों पेरेंट्स हैं इनकी डेथ भी हो जाती है, डेथ हो जाती है, उस डेथ का समवॉट रीजन यही रहा होगा कि मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर में आए हैं। जी जी, तो हैबिटेट भी चेंज हो, हैबिटेट चेंज हुआ है उसके कारण, न्यूट्रिशन वगैरह भी प्रॉपर ये इंटेक नहीं कर पाते, तो पर्पस मेनली रिप्रोडक्शन ही, स्पैनिंग मतलब एक वगैरह जो है रिलीज करनी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके अंदर जो है आंसर वो रहेगा थर्ड, स्पॉनिंग चला जाएगा। और एनसीईआरटी का ही लाइन है ये, एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है, और यहाँ पर जैसा यतेंद्र सर ने बताया था कि मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर की ओर आते हैं, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, एनाड्रोमस माइग्रेशन ये कहलाता है। ओके, तो इसका एक सिंपली ये फ्रेश वाटर हो गया जितेंद्र सर, और ये मैरीन वाटर कहला गया। अगर मैरीन से आ रहा है फ्रेश में तो ये कहलाता है एनाड्रोमस, और जा रहा है ये फ्रेश वाटर से मैरीन में तो केटाड्रोमस कहलाता है। कुछ फिश ऐसी होती है जो फ्रेश से मेराइन में अंडे देने के लिए जाती है, तो वो कैटाड्रोमस माइग्रेशन करती है, वो कैटाड्रोमस दर्शा देंगी, और यहाँ पर लैम्प्रे की जो बात की है इन्होंने एनाड्रोमस माइग्रेशन दर्शा दी है, और फिर जो अंडों से लार्वा बाहर रिलीज होगा, फिर उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा, उसके बाद में वो जो लार्वा है वो मूव करेगा मेराइन, मूव करेगा वापस मेराइन में। एग्जैक्टली, तो जो एग है ना, इन एग की स्पॉनिंग के लिए कहाँ गए? ये फ्रेश वाटर में गए हैं, मेटामॉर्फोसिस और लार्वा भी हो गया फ्रेश वाटर में, उसके बाद लार्वा मूव करके कहाँ जाएगा? फिर हाँ, वो मेटामॉर्फोसिस के बाद थोड़ा सा यंग स्टेज में आता है, फिर वो एस्टुरी से वापस मेराइन में आता है, वापस मेराइन में। इसका मतलब है कि इनकी बर्थ भी फ्रेश वाटर में हुई, ठीक है, और डेथ भी फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में हुई। कहने का मतलब जन्म स्थान इनका फ्रेश वाटर है, और इनका मरण स्थान जो है वो भी फ्रेश वाटर ही कहलाएगा। बीच की जो स्टेज एडल्ट स्टेज वो एडल्ट स्टेज है मैरीन वाटर में, हम पास आउट करते हैं। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 123 रहेगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये किसका फीचर है? ये कार्टिलेजिनियस फिश का कहलाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओवरऑल अपन बच्चों को जैसे कोऑर्डिनेट के अंदर बताएं,
फिश जो है उसमें कॉन्ट्रैक्टीज जो है उनमें इंटरनल इंटरनल बोनी में एक्सटर्नल बोनी में एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है मोस्टली एक्सटर्नल मोस्टली कुछ में मे भी हो सकता है बिल्कुल जैसे हिप्पोकैम्पस की मैं बात करूं तो कैसा पाया जाता है हिप्पोकैम्पस में हिप्पोकैम्पस जो एक्चुअल में है उसके अंदर जो फीमेल है वो अपने जो एग है बिल्कुल उनको जो रिलीज करती है तो वो फर्टिलाइज एग जो है वो मेल अपने पाउच के अंदर इकट्ठे रखता है ब्रूड पाउच कहा जाता है जिसको अपन एग्जैक्टली ठीक है और फिर उसके अंदर जो है हैचिंग होती है अंडो की और फिर उससे जो है वो बेबी मेल जो है उनको बाहर की तरफ रिलीज आउट कर देते हैं इसको प्रेग्नेंट मेल भी कहा गया बिल्कुल बिल्कुल प्रेग्नेंट मेल यहाँ पर बच्चा एक्चुअल में कंफ्यूज हो जाता है सर मेल कैसे प्रेग्नेंट हो गया तो ये केवल मॉर्फोलॉजिकल फीचर ब्रूड पाउच की प्रेजेंस की वजह से कि पेरेंटल केयर जो है वो कौन कर रहा है मेल कर रहा है हिप्पोकैम्पस में ठीक है पेरेंटल केयर का एक अच्छा एग्जांपल पेरेंटल केयर का एक अच्छा एग्जांपल एम्फीबियन में अपन एक्सटर्नल बताते हैं ठीक है कुछ सेलेमेंड्रा की स्पीशीज में इंटरनल हो सकता है इंटरनल पाया जाता है वैसे नॉर्मली देखें तो एम्फीबियन में एक्सटर्नल ठीक है रेप्टाइल में इंटरनल इंटरनल हो जाएगा एवस बर्ड्स में भी इंटरनल इंटरनल हो गया मैमल में भी इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया तो यतेंद्र सर ने आपको ये जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट है इसको कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स में बता दिया है ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देना आपको भी एक्चुअल में इसी प्रकार स्टडी करनी चाहिए बच्चा अक्सर क्या करता है यतेंद्र सर एनसीईआरटी लेकर बैठ जाता है और उसकी रीडिंग करता है लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन कनेक्ट नहीं करते कंपेयर करते हां बच्चों तो इसको कनेक्ट करना ही होगा क्योंकि क्वांटिटेटिव स्टडी इतना मैटर नहीं करती है जितनी क्वालिटेटिव स्टडी मैटर करती है पढ़ना कितना है अपने को 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है और ज्यादा ब्रॉड जाने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि नेट का पेपर आप देख चुके हो किस लेवल का आ रहा है ठीक है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल की बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टीज की बात हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टीज कौन है ये सोफिस कहलाती है ठीक है प्रीस्टिस को क्या कहा जाता है सोफिस कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टीज है एक जिसमें कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन बिल्कुल एक्सोसीटस की बात करें ये फ्लाइंग फिश कहलाती है मैराइन एनवायरनमेंट ये मैराइन एनवायरनमेंट भी है और ऑस्ट्रिक्टीज से बिलोंग करती है बोनी है बिल्कुल बिल्कुल और ये भी ऑस्ट्रिक्टीज बोनी है ये भी बोनी है दोनों ये फ्रेश वाटर फॉर्म है और ये मैरीन फॉर्म बिल्कुल बिल्कुल तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की बात करें तो लेबियो हो गया कैटला हो गया ये किस में आते हैं भैया फ्रेश वाटर में आते हैं एक्सोसीटस किस में आ गई मैराइन वाटर ऑस्ट्रिक्टीज कहलाती है और मतलब सेकंड थर्ड और फोर्थ जो है तीनों ही बोनी फिश तीनों ही बोनी फिश जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन आपको एक्सटर्नली याद रखना है यूजुअली एक्सटर्नल ये वर्ड प्रॉपर्ली एनसीईआरटी का वर्ड प्रॉपर्ली याद रखें यूजुअली कैसा हो गया एक्सटर्नल ठीक है मुक रहे आगे जी सर जी ये तो कार्टिलेजिनस फिश अरोज आफ्टर बोनी फिश इन एवोल्यूशन लाइन बोलोगे कि जो कार्टिलेजिनस फिश है वो एवोल्यूशन लाइन में फाइलोजेनेटिकली बोनी फिश के बाद में इवोल्व हुई बोनी फिश के बाद फिर भी उनको जो स्टडी की जाती है कि कार्टिलेजिनस फिश को पहले पहले रखा जाता है और बोनी को बाद में रखा जाता है तो ऐसा क्यों इस पे ये क्वेश्चन बना हुआ है तो इसके अंदर जो जैसे ऑर्डर की बात अपन करें कि जो सुपर क्लास फिशीज है ठीक है उसमें पहले कार्टिलेजिनस और फिर बोनी फिश है सुपर क्लास ठीक है टेट्रापोडा सुपर क्लास जो है दो क्लास फिशीज हो गई ठीक है उसके अंदर आपकी कॉन्ट्रैक्टीज और ऑस्ट्रिक्टीज तो यहाँ पर जो है फिश के तुरंत बाद अपन एम्फीबियन की बात करते हैं तो जो बोनी फिश है उनको डायरेक्ट जैसे एंसेस्टर माना जाता है ठीक है एम्फीबियंस का इसीलिए अपन पहले कार्टिलेज को पहले रखते हैं और फिर बोनी को स्टडी करके और फिर उसके बाद में तुरंत फिर टेट्रापॉड में एम्फीबियन स्टार्ट होता है बिल्कुल बिल्कुल ये इसका यही कारण है बिल्कुल ऐसा एक ऑप्शन अपने इसमें बिल्कुल बिल्कुल ये जो यतेंद्र सर ने जो बताया है कि इसके बाद इसको स्टडी करते हैं उसके लिए एक चीज आप याद रख लें वो है अपनी पिया राम यतेंद्र सर पिया राम ये कहलाता है पीसीज के बाद कौन आए एम्फीबिया एम्फीबिया के बाद कौन आए रेप्टाइल्स अब बच्चा कहता है रेप्टाइल्स के बाद एविज आए एविज के बाद मैमल्स आए लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ रेप्टाइल्स के बाद में दो इवोल्यूशनरी एरो एक साथ बने हैं और यहाँ पर एक तरफ ओरिजिनेट हो गया एविज और एक तरफ आ गए मैमल्स मतलब एविज और मैमल का कॉमन रेप्टिलियन एंसेस्टर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री जो है दोनों की ही कॉमन कहलाती है और ये चीज इनके 12th वाली जो एनसीईआरटी का इवोल्यूशन वाला चैप्टर उसमें दिया भी बिल्कुल 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 ठीक है तो अपने को वो फीचर देखना है जो क्लोजनेस दर्शाता हो एम्फीबिया के साथ में तो इसके अकॉर्डिंग तो यतेंद्र सर ये फॉर बोनी फिशेज आर डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ एम्फीबियंस बिल्कुल इसीलिए इनको जो है कॉन्ट्रैक्टीज को पहले फिर बोनी को उसके तुरंत बाद टेट्रापॉड में एम्फीबियंस बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर एक चीज और है कि ये जो फिशेज है ना ऑस्ट्रिक्टीज इसमें सबसे एडवांस ग्रुप आगे जाकर आएगा डिप्नोई फिशेज का ग्रुप आएगा और इसमें लंग फिशेज भी आएंगी आगे चलकर ठीक है और लंग फिशेज जो है वो
रिजेम्बलेंस दर्शाती है एम्फीबिया के साथ, कनेक्टिंग लिंक भी बताते हैं, कनेक्टिंग लिंक भी वहां पर बनता है, ठीक है। और ये जो लंग फिशेज है ना, इनका आपको नाम याद रखना है, एक अमेरिकन है, एक अफ्रीकन है और एक ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। तो एक तो होगी प्रोटोप्टेरस, एक होगी लेपिडोसेरियन और एक हो गया नियोसिरेटोडस। तो ये तीनों नाम मैं लिख दूं इन पंछियों को। एक तो कहलाता है प्रोटोप्टेरस, एक कहलाता है यतेंद्र सर नियोसिरेटोडस, और एक कहलाता है लेपिडोसेरियन, ठीक है बच्चों। ये वाला पोर्शन एक बार मैं मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि अपने को इनका कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा, कौन सी लंग फिश क्या है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, प्रोटो वर्ड का मतलब है पुराना, और बायोजियोग्राफिकल मोड की बात करूं तो धरती पर पुराना तो अफ्रीका जी। तो अफ्रीकन लंग फिश कौन सी होगी जितेंद्र सर? प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन होगी, ठीक है। नियो का मतलब नया, वही बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नया कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश क्या कहलाती है? ऑस्ट्रेलियन लंगफिश कहला जाती है नियोसिरेटोडस। लेपी का मतलब है लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कहाँ के अच्छे? अमेरिका के अच्छे। तो इसका क्या हो जाएगा? अमेरिकन लंगफिश, अमेरिकन लंगफिश। तो एग्जांपल्स इजी हैं, बस उनकी थोड़ी सी ट्रिक बनानी पड़ती है, और कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर और दे दे, बिल्कुल। तो ये सर ने जो आपको बताया, ये इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उस रेस्पेक्ट में भी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। ये लंग फिशेज है बच्चों, ठीक है, इनमें गिल्स भी होते हैं और लंग्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं। चले आगे, और इनके अंदर हर्ट थ्री चैम्बर्ड हर्ट की प्रेजेंस भी देखी जाती है, क्योंकि रिजेम्बलेंस कैसी होगी एम्फीबिया की जैसी होगी है। और फिशेज में टू चैम्बर्ड हर्ट एक्चुअल में पाया जा रहा था, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल की प्रेजेंस देखी जा रही है। तो ऐसा लिखा होगी ना, फिश में हमेशा टू चैम्बर्ड हर्ट होता है, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा कि ऑलवेज टू चैम्बर हर्ट ही फिशेज में देखा जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर कैसा देखा जाएगा एम्फीबिया के जैसा, थ्री चैम्बर्ड हर्ट जो है वो देखा जाता है, जिसमें दो तो ओरिकल हो गए, एक ही वेंट्रिकल हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, जी सर। Which of the following statement is false regarding conductees? है ना, conductees के लिए गलत कौन सा है? तो पहला देखें, they are provided with air bladder. Air bladder जो बोनी फिश का करैक्टर है, बायोंसी के लिए जी बिल्कुल। और ये जो है वो conductees में absent होता है, यहाँ पे लिखा है कि इनके अंदर present होता, तो यही वाला जो है वो फॉल्स इसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका ये आपको याद रखना है, क्या काम करता है बायोंसी का मतलब है उत्प्लावन, और डूबने नहीं देता है उनको, इसीलिए इनको लगातार तैरना पड़ता है। हाँ, लगातार तैरना पड़ता है, और बोनी फिशेज को लगातार तैरना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनमें क्या पाया जा रहा है, ये एयर ब्लेडर देखी जा रही है, फास्ट सबने जो पूछा है, और किसके कॉन्ट्रैक्ट इसके रेस्पेक्ट में, तो एयर ब्लेडर तो नहीं पाया जाता है, इसकी वजह से ये क्या हो गया, टर्मिनल होता है एंटीरियर पार्ट की ओर, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा, टू वेजाइना एंड यूट्रसेज कैन बी सीन इन, ठीक है, अब्सेंस बोला है, अब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा, ये नहीं पाए जा रहे हैं, दो वेजाइना और यूट्रस। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, क्लास की बात हो रही है, कौन सी क्लास? मेमेलिया। इस मेमेलिया क्लास में दो सब क्लास होगी, एक तो कहलाएगी प्रोटोथीरिया और एक कहलाएगी थीरिया। ये याद रखना बच्चों, क्या है ये? सब क्लास है। अब जो थीरिया है उसमें इंफ्रा क्लास और आ जाती है, ये इंफ्रा क्लास क्या कहलाती है? मेटा थीरिया और यूथीरिया, और यूथीरिया, ठीक है। अब अपने से बात कर रहे हैं कि किसमें जो है अब्सेंस देखा जाता है वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा का, टू वेजाइना एंड यूट्रस, ये तो पाए जाते हैं, ये तो पाए जाते हैं, और ये अब्सेंट है, ये अब्सेंट है जी। इसका मतलब ये करैक्टर है मेटाथीरिया, तो मेटाथीरिया देखना है इसमें से, मेटाथीरिया में कौन आता है? कंगारू आता है, कंगारू का जूलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा? मैक्रोपस, मैक्रोपस हो जाएगा। तो आंसर भी कौन सा चला जाएगा? अपना मैक्रोपस ही चला जाएगा जी। यहाँ पर एक चीज और याद रख लेना,
ऑर्निथोरिंकस की अगर मैं बात करूं तो ऑर्निथोरिंकस आता है प्रोटोथीरिया में, और प्रोटोथीरिया में वेजाइना और यूट्रस की अब्सेंस होती है। वेजाइना और यूट्रस यहाँ पर नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, और प्लेसेंटाइन में होती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वेजाइना एंड यूट्रस ये क्या हो जाएंगे, अब्सेंट हो जाएंगे। क्यों? हाँ, और प्लेसेंटा भी अब्सेंट है, प्लेसेंटा भी अब्सेंट हो जाएगी। तो चले आगे। जी सर, क्वेश्चन नंबर 127। जी सर, तो मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो ये एग्जोसिटस मैरीन बोनिफिश है, बिल्कुल, और ये अपने जो पेक्टोरल फिन्स हैं उनकी हेल्प से एयर के अंदर लैपिंग करती है। लार्ज पेक्टोरल फिन्स पाए जाते हैं किसमें, फ्लाइंग फिश में, एग्जोसिटस में। तो आंसर चला गया फोर्थ। इसीलिए मतलब इन पेक्टोरल फिन की वजह से वो हवा के अंदर कुछ मीटर तक मूव करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको बाकी पंख नहीं होते कि ये उड़ती है। जी 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 जी, तो एक का तो चला जाएगा फोर्थ। फिर टेरोफिलम की अगर बात करें तो ये फ्रेश वाटर बोनिफिश है सर। फ्रेश वाटर बोनिफिश है ये जो है एक्वेरियम से रिलेटेड है, जो घर में रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एंजल फिश भी इसको कहा गया। बिल्कुल, बी का हो जाएगा थर्ड। फिर जो ट्राइगोन है ये मैरीन कार्टिलेजनस फिश है और ये प्रेडेसियस है, अटैक कर सकता है, अटैक करती है। और इस ट्राइगोन जो है इसके पास स्टिंग होते हैं। बिल्कुल, और इसी स्टिंग की प्रेजेंस की वजह से इसको स्टिंग रे कहा गया, स्टिंग रे कहा गया, पॉइजनस स्टिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो क्लेरियस है ये आपकी बोनिफिश है, तो इसका हो जाएगा सेकंड अपना। तो आ गया 4312। 4312 देख लें, 4312 सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एनसीईआरटी के बस एग्जांपल आपको याद रखने की जरूरत है। बिल्कुल, इसमें थोड़ी सी बच्चों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे देते हैं अपन कि एग्जोसिटस फ्लाइंग फिश कह दिया इसको, और याद रखने वाली बात यह है कि लार्ज पेक्टोरल फिन्स पाए जाते हैं। जी ठीक है, टेरोफिलम बताई दिया आपने, एक्वेरियम से रिलेटेड है तो एंजल फिश ये कहलाएगी। ट्राइगोन में जो स्टिंग पाया जाता है पॉइजनस स्टिंग, ये एक्चुअल में इसके डोर्सल फिन पर प्रेजेंट, डोर्सल फिन। हाँ, तो आपको याद रखना है कि यहां पर जो पॉइजनस स्टिंग है वो प्रेजेंट हो जाएगा कहां पर, डोर्सल फिन, डोर्सल फिन पर प्रेजेंट। अपन ये कह सकते हैं डोर्सल फिन ही उसका मॉडिफिकेशन। हाँ, डोर्सल फिन ही उसका मॉडिफिकेशन कहलाता है। क्लेरियस की अगर बात करें तो ये कैटफिश के नाम से भी जानी जाती है इसको। और इसकी खास बात है एक्जो स्केलेटन नहीं पाया जाता है किसमें, कैटफिश में, क्लेरियस में। तो क्लेरियस के अदर नेम की मैं बात कर दूं तो क्या कहला गया, कैटफिश, और एक्जो स्केलेटन क्या हो जाएगा, अब्सेंट। तो चले आगे। जी सर जी, क्वेश्चन नंबर 128 रहेगा। Which of the following is correct with regard to the Periplaneta americana? Periplaneta americana जूलॉजिकल नेम ऑफ किसका कहलाता है बच्चों, कॉकरोच का कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाई हीमोसाइनिन प्रेजेंट इन द ब्लड। ब्लड में हीमोसाइनिन तो पाया जाएगा, लेकिन हीमोसाइनिन का फंक्शन नहीं है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, यहाँ पर तो डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गैसेज का। ठीक है, यानी ब्लड का रोल नहीं है गैसेज ट्रांसपोर्ट। हाँ, गैसेज ट्रांसपोर्ट में ब्लड का कोई भी रोल नहीं है, ट्रेकियल सिस्टम की हेल्प से जो है गैसेज एक्सचेंज डायरेक्ट देखा जाता है। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नाइट्रोजनस ऑक्सीडेटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, यूरिक एसिड कहलाता है, यूरिक एसिड कहलाता है। बिल्कुल, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया। द फूड इज ग्राइंडेड बाय मैंडिबल एंड द गिजार्ड। बिल्कुल, माउथ पार्ट में जो मैंडिबल पार्ट है, मैंडिबल एक्चुअल में जो है लोअर जो कहलाते हैं, और गिजार्ड की हेल्प से जो है वो ग्राइंडिंग होती है, बाइटिंग, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो आर्थ्रोपॉड्स हैं इनमें डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं, कॉकरोच में कौन सा होता है, बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये बात क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, करेक्ट ही पूछा है तो आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड। क्रॉस चेक कर लेते हैं फोर्थ वाला। मेलपिगन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोजेक्टेड आउट फ्रॉम द कोलन रीजन। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, बिल्कुल, मतलब मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन से होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको अपन थोड़ा सा बच्चों को इस प्रकार बता दें। जी, तो ये तो अपनी क्या होगी 100-150 येलो कलर बॉडी कहला गई मेलपिगन ट्यूब्यूल्स, और उसके बाद जो है ये हाइंड गट पार्ट इनका चालू हो जाता है। और इसमें हाइंड गट पार्ट में बच्चों आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इनके एक तो होता है इलियम, फिर कोलोन, ये कहलाता है कोलोन, ये कहलाता है रेक्टम, फिर रेक्टम। कहने का मतलब हाइंड गट में केवल तीन रीजन होंगे, तो कहां पाई जाती है, ये कह रहा है कि कोलन और मिड गट के बीच में नहीं, इलियम और कोलन के बीच में अपन कह देते, या फिर ऑप्शन अपने को ये दे देता मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पॉइंट पे, या मिड गट या इलियम भी सही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो चले आगे। जी सर बिल्कुल, 129। With respect to cockroach, which of the following statement is correct? है ना, cockroach के respect में correct statement पूछा गया है।
Fertilized eggs are stored in spermatheca of female cockroach. Fertilized egg जो है वो spermatheca में store नहीं होता है. Spermatheca जो है फीमेल के अंदर ही स्ट्रक्चर है, पेयर्ड है, और पॉपुलेशन के दौरान इसके अंदर तो फीमेल वो मेल से स्पर्म को कलेक्ट करके स्टोर करती है. हाँ, तो स्पर्मेथिका फीमेल की स्ट्रक्चर है. एक्चुअली में बच्चा सोच जाता है कि स्पर्म से रिलेटेड है मेल की बॉडी में या नहीं. बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा. स्पर्मेथिका फीमेल की बॉडी की स्ट्रक्चर है, और उसमें जब कोपुलेशन होगा मेल फीमेल के बीच में, तो जो स्पर्म्स आएंगे वो स्पर्म्स कहाँ चले जाते हैं? इसमें स्टोर हो जाएंगे. बिल्कुल जी. तो ये वाला जो है वो बर्ड्स में, कॉकरोच में, और एक अर्थ वर्म में क्रॉप एंड गिजार्ड अपन कह सकते हैं. फिर एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय इंटरनली बाय क्यूटिकल. ये वाला जो है वो सही है. मतलब फोरगट भी और हाइंडगट भी क्ययूटिकल से लाइंड होती है, लेकिन मिडगट में क्यूटिकल नहीं पाया जाता है. पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन इनसाइड वहां पर होती है. पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन जो ये फूड पार्टिकल जो है ये फोरगट से कहां पर आएगा? मिडगट में आएगा. तो मिडगट की जो ग्लैंडुलर सेल है वो फूड पार्टिकल के बाद क्या बना देती है? एक वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर बना देती है जिसको पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन कहा जाता है. और इस पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन के कारण जो फूड पार्टिकल है वो कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा पाता है, फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं पहुंचा पाता है मिडगट रीजन को. और ये जो क्यूटिकल पाई जा रही है ये एक्चुअल में जो फूड पार्टिकल है उनसे फ्रिक्शन से बचाने की, फ्रिक्शन से बचाने की. जी 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 बिल्कुल सर. फिर रेस्पिरेशन बाय मॉइस्ट क्यूटिकल दिया, ये भी रहूंगा. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसमें नहीं होता. बिल्कुल बिल्कुल, ये फीचर अर्थवर्म का है. अर्थवर्म का है, फ्रॉग में भी होता है. जी जी बिल्कुल. तो करेक्ट पूछा था तो करेक्ट हो गया अपना ऑप्शन नंबर 3. चले आगे. जी जी, क्वेश्चन नंबर 130 रहेगा बच्चों. फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ मैरीन फिशेज की बात कर रहा है. इसका मतलब यहाँ पर लेबियो दे दिया, तो लेबियो तो क्या कहलाएगी? लेबियो कौन सी कहलाएगी? फ्रेश वाटर पॉनी है ना. हाँ, फ्रेश वाटर पॉनी हो जाती है. एक्जोसिटस, हिप्पोकैम्पस, स्कोलियोडॉन, ट्राइगोन, सारी कैसी है? मैरीन है. हिप्पोकैम्पस कैटला की बात हो गई, ये गलत हो गया. ठीक है, इधर कार्केरोडॉन ये आई जाएगा. कार्केरोडॉन ये मैरीन बोनी है. बिल्कुल, मैरीन बोनी कहलाती है. प्रिस्टिस, ट्राइगोन, बेटा और क्लेरियस, ये दोनों ही कैसी होगी? ये फ्रेश वाटर कहला जाती है. ठीक है, ये एक्वेरियम फिश कहलाती है बेटा. ठीक है, और ये जो क्लेरियस है अभी बात अपने की थी, कैट फिश के नाम से जानी जाती है. कार्केरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क है. ग्रेट व्हाइट शार्क है, कार्टिलेजिनस. कार्टिलेजिनस है, बिल्कुल. तो ये कार्केरोडॉन जो है ये ग्रेट व्हाइट शार्क कहलाती है. मैरीन फिश है, मैरीन फिश क्योंकि शार्क हो गई ना. जी जी, तो चले आगे. जी सर, फोर पेयर ऑफ गिल्स कवर्ड बाय अपर गोलक है ना. होमो सर्कल, टेल, साइक्लोइड स्केल्स, फ्रेश वाटर हैबिटेट, ये सब जो है बोनी फिश के कैरेक्टरिस्टिक्स है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थोड़ा सा डायग्राम बना दीजिए बच्चों को, डायग्राम से थोड़ा सा ज्यादा समझ पाता है बच्चा. तो दोनों लोब जो है कैडवल फिन की वो इक्वल है, दोनों समान है. इसको होमो सर्कल बोलते हैं, होमो सर्कल कहा जाता है. और जो ऑस्टिकथीज का और जो कॉन्डक्टथीज होती है उसमें एक लोब बड़ी होती है, एक लोब छोटी होती है. ये हेटेरो सर्कल है, ये कॉन्डक्टथीज का. बिल्कुल बिल्कुल, बोनी के अंदर होमो है तो. और यहाँ पर एंटीरियर हो गए, टर्मिनल माउथ हो गया. और सबसे खास बात है कि इनके जो गिल स्लिट्स होंगे वो कवर्ड होंगे ओपरकुलम के द्वारा. ओपरकुलम प्रेजेंट होता है और गिल्स जो है वो फोर पेयर है, तो गिल्स स्लिट्स भी फोर पेयर हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो फोर पेयर ऑफ गिल्स पूछा है, इसका मतलब आपने को ऑस्टिकथीज बताना है. जी 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 जी. तो पूछा होमो सर्कल हो गया, साइक्लोइड, लेकिन फ्रेश वाटर दे दिया. फ्रेश वाटर दे दिया आपने को, फ्रेश वाटर बोनी फिश दे दी. फ्रेश वाटर बोनी फिश, ये बोनी फिश है लेकिन मैरीन हो गई. बिल्कुल है ना, और ये भी फ्रेश वाटर है और ये भी फ्रेश वाटर, तो आंसर हो जाएगा. लेकिन बेस्ट ऑप्शन वो चला जाएगा क्योंकि दोनों ही इंक्लूड हो गई हैं, लेबियो और कैटला. ठीक है, चले आगे. क्वेश्चन नंबर 132, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द कॉकरोच के रिस्पेक्ट में पूछा है. नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर कहलाता है, ये नाइट के समय जो है ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव कहलाता है. कर्सोरियल एनिमल तेज दौड़ने वाला भी कहलाता है, और जो है इसकी स्पीड काफी तेज होती है. बिल्कुल बिल्कुल. डायोशियस की बात करें तो यूनिसेक्सुअल एनिमल कहलाता है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, मेल और फीमेल इंडिविजुअल सेपरेट होते हैं इसमें. ओमनिवोर्स सर्वाहारी कहलाता है, सब कुछ खाने वाला कहलाता है.
हर्बीवोर्स नेचर का भी है, कार्निवोर्स नेचर का भी है, सब कुछ मिक्सिंग रूप से खाता है। पार्टनर को भी खा जाता है मरने के बाद? हाँ, अपनी प्रोजेनी जो है, नहीं प्रोजेनी को भी ईट कर जाता है। अच्छा, और अपने पार्टनर जो है नो डाउट उनको भी ईट करता है। उनके जो मेंबर्स हैं डेथ के बाद उनकी बॉडी को, बिल्कुल अपने जो फॉलोअर्स जिनको ये बोलते हैं, तो फॉलो जो भी इनके फॉलोअर हैं, जो फॉलोअर कौन होंगे इन्हीं की कास्ट वाले इंडिविजुअल कहलाएंगे, उनको भी क्या कर जाता है, ईट कर जाता है। कौन सा चला जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। बाकी आप इनमें देख लें कि एरियल की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर जो है हर्बीवोर्स दे रखा है, इसकी वजह से गलत हो गया। यहाँ अगर बात करें तो फोसोरियल बिल तो ये बनाते ही नहीं है, और मोनोशियस दे दिया। और यहाँ पर कार्निवोर्स नेचर, कार्निवोर्स नो डाउट पाई जाती है, लेकिन ज्यादा बेटर कौन सा है? ओमनिवोर्स कहना ज्यादा ठीक है। ओमनिवोर्स हो गया, फोसोरियल की वजह से गलत हो गया, या मोनोशियस दिया हुआ है। और एंटेरोसिलोमेट एनिमल जो है ये नहीं है, ये साइजोसिलोमेट कहला। साइजोसिलोमेट चले आगे। जी जी सर। स्पिरेकल्स इन कॉकरोच आर स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन है। तो जो स्पिरेकल्स की अगर बात करें डायग्रामेटिकली, उसमें जीवन कॉकरोच जो है उसकी बॉडी जो है उसमें हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, एब्डोमेन हो गया ये हैं। बिल्कुल। थोरेक्स के अंदर 3 जो हैं पार्ट होते हैं, प्रो, मेजो, मेटा, और एब्डोमेन के अंदर 10 होते हैं। बिल्कुल। तो जो स्पिरेकल्स हैं ये इनकी बॉडी की लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, और लेटरली दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। अगर अपन थोरेक्स की बात करें तो प्रो और मीजो के जंक्शन पे, बिल्कुल, और मीजो और मेटा के जंक्शन पे। तो एक इस तरफ और एक उस तरफ। ये जो आपको व्यू दिखाया जा रहा है इस कॉकरोच का, ये लेटरल व्यू कहला रहा है, लेटरल व्यू। इसको ना तो वेंट्रल लेना है ना ही डोर्सल लेना है। जी, तो दो यहाँ पे दिखाई देंगे, दो बोर्ड के पीछे की ओर हो जाएंगे। और फिर एब्डोमेन वाला पार्ट जिसके अंदर 10 सेगमेंट है, तो उसके अंदर बिल्कुल इस तरफ भी और उस तरफ भी, बिल्कुल 8 सेगमेंट तक ये जो स्पिरेकल्स हैं वो मौजूद होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो टोटल जो है कह सकते हैं 10 पेयर, 10 पेयर ऑफ स्पिरेकल्स की प्रेजेंस यहाँ पर देखी जाती है, 20 हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 10 पेयर स्पिरेकल्स हो जाते हैं बच्चों। तो सर एक्स्ट्रा लिख रहे हैं उसको नोट कर ले आप, स्पिरेकल्स हो जाते हैं इसमें जो है। 2 पेयर तो कैसे हैं? थोरेसिक हैं। और 8 पेयर कैसे कहलाते हैं इसमें? वो एब्डोमेन वाले पार्ट में लोकेटेड। 8 पेयर हो जाते हैं एब्डोमिनल लेटरल साइड, और लेटरल साइड में इन्होंने बताई दिया। ठीक है, यहां पर एक खास बात और याद रख लेना, बाकी सभी स्पाइरिकल पे वॉल की प्रेजेंस देखी जाती है, लेकिन नंबर 1 और नंबर 3, या मैं कहूं कि थोरेक्स का पहला और एब्डोमेन का पहला, हमेशा खुले रहते हैं, इन पर कोई भी वॉल्व नहीं पाया जाता है। एक ये भी कि ना कॉकरोच के अंदर ऐसी क्या स्ट्रक्चर है जो अपने नोस्टिल की तरह वर्क करती है? एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ह्यूमन के नोस्टिल के समान अपने नोस्टिल का फंक्शन क्या है? एटमोस्फियरिक एयर को एंटर करवाना। ऐसे ही इस कॉकरोच की बॉडी में एंट्री कहां से हो रही है? इन स्पाइरिकल से हो रही है। ठीक है, ये कवर्ड होते हैं पेरिट्रीम, जो भी अपन इस तरह डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो कहां हो जाएंगे? लेटरल सरफेस हो जाएगा। तो चले आगे। जी जी, क्वेश्चन नंबर 134 रहेगा। मेलपिगन टिब्यूल्स इन कॉकरोच ओपन एट द जंक्शन ऑफ, वो अभी डायग्राम आपने बताया था, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे पाया जाता है, लेकिन हाइंड गट इन्होंने कहीं दिया ही नहीं है, तो फिर हाइंड गट का फर्स्ट पार्ट कौन सा कहला गया? ईलियम कहला गया। अभी डायग्राम बनाया था पहले थोड़ी देर पहले, आंसर कौन सा कहला जाएगा? नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 135 रहेगा बच्चों। जी सर। एम्फीबियन स्कल्स की बात की है, जैसा कि अपने लास्ट क्लास में इनको बताया, बिल्कुल बताया था कि एम्फीबियंस और मैमल्स के अंदर ऑसिपिटल जो बोन है स्कल की, उसमें 2 कुंडाइल होते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए इनकी स्कल जो डाइकुंडाइलिक होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिश, रेप्टाइल और बर्ड्स की स्कल में एक ही कुंडाइल होता है, तो वो मोनोकुंडाइल। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीधा सा इसमें था कि विद 2 ऑसिपिटल कुंडाइल, 2 ऑसिपिटल कुंडाइल चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रेफर द फिगर ए बी सी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच शोस द एनिमल दैट रेगुलेट द बायोम्सी की बात हो रही है। इसका मतलब एयर ब्लैडर की बात होगी, एयर ब्लैडर की बात होगी तो ऑस्टियोलिथीज की बात होगी, मतलब बोनीफिश की बात, बोनीफिशेज की बात हो जाएगी। ठीक है, तो बोनीफिशेज में कौन आता है? हिप्पोकैम्पस है ये। अरे मैरीन बोनीफिश। बिल्कुल बिल्कुल, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा। ठीक है, ये जो है ये अपनी होगी, ये आपकी फ्रेश वाटर, ये दिखने में जो है ये कैटला भी ऐसी ही दिखाई देती है और लेबियो भी ऐसी ही दिखाई देती है। ठीक है, तो कोई से भी आप कह सकते हो कौन सी होगी ये, मतलब फ्रेश वाटर बोनीफिश। हाँ, फ्रेश वाटर, तो कैटला तो है FW फ्रेश वाटर बोनीफिश, और ये है MW बोनीफिश। ठीक है, तो ब्रूड पाउच की प्रेजेंस इधर ही है, ब्रूड पाउच इसका कहलाता ही है।
ये सेलामेंडर हो गया, एम्फीबिया हो गया, तो इसमें तो इस प्रकार की कोई बात है करनी ही नहीं है, तो आंसर चला जाएगा ए एंड बी। ए एंड बी कौन सा है ये इंद्र सर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन हो जाएगा। इसकी जो टेल होती है वो प्रीहेंसाइल होती है, जिससे ये ग्रेस्पिंग कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मंकी में पाई जाती है, तो मंकी क्या करते हैं अपनी पूंछ को टहनी के चारों ओर लपेट कर मजे मारते हैं, झूले झूलते हैं। चले आगे जी, क्वेश्चन नंबर 137 रहेगा जी सर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पूछा गया है, तो पहला जो स्टेटमेंट है कि ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट आर नॉट कॉर्डेट, ये अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हमने बात की थी कि जो कॉर्डेट होते हैं उनमें कुछ के अंदर जो है वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉर्डेट का है तो नॉट कॉर्ड तो है ही, तो सारे कॉर्डेट जो है वो वर्टिब्रेट नहीं है, लेकिन सारे वर्टिब्रेट जो है वो कॉर्डेट है। अब ये जो लाइन आप बार बार दोहराओगे ना, तो नो डाउट आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा आगे चलकर, तो इसके लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट आप याद रखो, वो क्या है कॉर्डेटा, क्यों ये सर कॉर्डेटा में आ गई कौन, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलो, सिफेलो और वर्टिब्रेटा। तो ये तो क्या हो गया बच्चों, ये तो फाइलम कहला गया, और इसके क्या होते हैं तीन, ये तीनों सब फाइलम, सब फाइलम इसके कहलाते हैं। बस इतनी ही कहानी है कि जितने भी वर्टिब्रेट होंगे सारे के सारे कॉर्डेट होंगे, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते, क्योंकि कॉर्डेटा में तो प्रोटोकॉर्डेट भी आ रहे हैं, यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट कंबाइन ही नॉन एज प्रोटोकॉर्डेट कहलाते हैं, नो डाउट। या अपन इनको कह सकते हैं कि ट्यूनिकेट्स, नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट भी इनको कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम का भैया फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और यहाँ पर नोटोकॉर्ड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी चीज यतेंद्र सर ने बताई है, इन दोनों को प्रोटोकॉर्डेट को अपन इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट भी कह सकते हैं। ठीक है चले आगे, तो इसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट पूछा है, इसका मतलब ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट, सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट है क्या, ना सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट है, तो पहले ही क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, फिर बाकी देख लेते हैं। वर्टिब्रेट पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, सही है, सभी के अंदर एम्ब्रियोनिक पीरियड नोटोकॉर्ड होता है, फिर कुछ के अंदर थ्रू आउट लाइफ वो एग्जिस्ट करता है, जैसे सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, और कुछ के अंदर एडल्ट स्टेज में वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाएगा, और कुछ में एडल्ट स्टेज में डिसअपीयर हो जाता है, जैसे यूरोकॉर्डेट यूरो में हो जाएगा, उसमें थ्रू आउट लाइफ रहेगा, बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो बोन का भी हो सकता है या कार्टिलेज का भी हो सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग हो गया, वो सॉरी मतलब इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा, आंसर तो वन हो गया, लेकिन वैसे ये सही है, तो वैसे तो ये ठीक है लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग रॉन्ग है जी जी। फिर नोटोकॉर्ड ऑफ वर्टिब्रेट इज जनरली रिप्लेस्ड बाय बोनी और कार्टिलेजनस वर्टिब्रल कॉलम, ये भी सही है, बिल्कुल ठीक बात है, और ये जो स्टेटमेंट थर्ड है वो इनके लिए है वर्टिब्रेट, बिल्कुल बिल्कुल। फिर द वर्टिब्रेट है वेंट्रल मस्कुलर हर्ट विद 2, 3 और 4 चैंबर, ये भी सही है, तो फिश में हां 3 एम्फीबियन में, बिल्कुल रेप्टाइल्स में अगर ये दिन से यहाँ पर एक और चीज है कि रेप्टाइल्स में हर्ट की चैम्बर पूछा जाए और वहां पर ऑप्शन में देते 2, 3, 3.5 और 4, तो फिर अप्रोच अपने 3.5 है ना, हाँ 3.5 अप्रोच करना पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाए तो एनसीईआरटी ने 3.5 चैम्बर कहीं पर बताई नहीं है, तो रेप्टाइल्स में भी अपने को क्या बताना है 3 चैम्बर ही बताना है, लेकिन रेप्टाइल में ऑर्डर क्रोकोडिलिया की अगर ये बात कर ले तो क्रोकोडिलिया में क्या हो जाएगा 4 चैम्बर्ड हर्ट हो जाएगा, तो जैसे सर ने अभी आपको बताया कि 2, 3, 3.5 और 4, तो 3.5 इसलिए क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान इनके अंदर वेंट्रिकल के बीच में कुछ सेप्टम बनना शुरू हो गए थे, पूरे नहीं बने थे, इसलिए 3.5। ये जरूर याद रख लेना, बच्चा अक्सर ये सोचता है कि ऊपर तो एट्रिया नीचे वेंट्रिकल, नहीं भैया ये जो है ये वेंट्रिकल की बात हो रही है, ये जो है वो सॉरी ये एट्रिया की बात हो रही है, और एट्रिया ये करते हैं, हां ये जो है ये वेंट्रिकल एट्रिया हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, ठीक है ऐसे ही चलता है, चले आगे। हाँ जी, तो आंसर चला गया ऑप्शन नंबर 1 जो इनकरेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 138 रहेगा। Which of the following is not a character of ostictis, boniface का character नहीं है, 4 pair of gills पाई जाती है, upper column present होता है, ये तो character है, character है, ऐसे पूछा है कि कौन सा नहीं है, presence of air bladder to regulate the biopsy, बिल्कुल ostictis का ही, boniface का ही character कहलाता है, heterocercal tail नहीं, heterocercal तो ostictis में पाई जाती है, इसमें homocercal होती है, ये होमोसर्कल होती है, यहाँ दिया है mostly internal नहीं, usually कैसा होता है external, usually external, ठीक है बच्चों, और लास्ट दिया है mostly oviparous कहलाते हैं, बिल्कुल ये बात ठीक है,
कि ओविपेरस होते हैं, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। ठीक है, चले आगे जी। 139 Which of the following pair of birds cannot fly? है ना? Flightless birds के रिगार्डिंग जो है वो बात की जा रही है। तो यहाँ पे जैसे पेवो और जो यूडाइनेमिस जो है, ये पिकॉक है और ये कोयल है, तो ये तो उड़ सकते हैं। बिल्कुल। फिर एप्टिनोडाइट जो है पेंगुइन उड़ नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन ये जो है नियोफ्रॉन, ये उड़ सकता है। बिल्कुल। नियोफ्रॉन जो है ये अपना वल्चर हो गया। फिर एप्टिनोडाइट नहीं उड़ सकता पेंगुइन, और श्रूथियो ऑस्ट्रिच ये भी फ्राइट लेस बर्ड है, तो थर्ड जो आंसर हो जाएगा, और इसके अंदर ये उड़ सकता है लेकिन ये बिल्कुल नहीं उड़ सकता। यहाँ पर कॉम्बिनेशन थर्ड, करेक्ट कॉम्बिनेशन थर्ड हो गया। यहाँ पर ये जो है ना, इसके लिए आप याद रखते हैं ना, नोट कर लेना, यू डायनेमिक्स क्या है, इसको हुको के नाम से भी जाना जाता है जी, या इसको कोयल कोयल भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्लाइटलेस बर्ड की जो बात हो रही है, बर्ड कैन नॉट फ्लाई, ठीक है, बाकी ऑप्शन आ गए आपके पास में, एप्टिनोडाइट आ गया, श्रुति आ गया, एमओ भी बोल सकते हैं, डोडो भी कह सकते हैं, ठीक है, बाकी जो है इनको जो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल वही मिलेंगे, वो याद रखना। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 114 पॉइंट आउट द मैमेलियन करेक्टर की ये बात कर रहे हैं। डायफ्राम मैमल्स में पाया जाता है, फोर चेंबर्ड हर्ट पाए जाते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड होती है, एक्सक्लूसिव फीचर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी में है और सभी में ही, और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है बिल्कुल। हेयरी स्किन जो है ये क्रिटेशिया में बात नहीं करेंगे अपन, जो एक्वेटिक मैमल है उनके अंदर नहीं, बिल्कुल, तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या बन जाएगा, मैं एरो लगाकर जो लिख रहा हूँ वो एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, एक्वेटिक मैमल, तो एक्वेटिक मैमल हो जाएगा। ऑर्डर कौन सा है, क्रिटेशिया कहला जाएगा, क्रिटेशियन, हाँ जी, इसके अंदर बेलेनोप्टेरा, इसके अलावा आपका जो है डेल्फिनस है ना, डेल्फिनस आ जाएगा, डॉल्फिन आ जाएगा। ठीक है, विविपेरिटी की बात करें तो ये तो यूथीरिया चला ही जाएगा, ठीक है, और मेटाथीरियन भी क्या दर्शाते हैं, लेकिन प्रोटोथीरिया एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन हो गया इसका, तो इसका एक्सेप्शन प्रोटोथीरिया याद रखना है। क्लोइका भी सब में नहीं है, क्लोइका की बात करें तो प्रोटोथीरिया में क्लोइका देखा जाएगा, मोनोट्रीमेटा उनमें देखा जाएगा। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम की अगर बात करें तो यूथीरिया में कॉर्पस कैलोसम की प्रेजेंस देखी जाती है, लेकिन प्रोटोथीरियन में कॉर्पस कैलोसम अब्सेंट होता है। गिल्स की अगर बात करें तो गिल्स की प्रेजेंस की तो बात होगी नहीं, विविपेरिटी ये आपको पहले ही बता दिया, एक्सक्लूसिव नहीं, बिल्कुल। पिन्ना की अगर बात करें तो इधर नहीं, एक्वेटिक मैमल्स में, एग्लाइंग मैमल्स में जो है ये पिन्ना अब्सेंट होता है प्रोटोथीरिया में, और इधर अगर बात करें यूथीरियन में जो क्रिटेशियन ऑर्डर बन रहा है इसमें भी नहीं पाया जाता। ठीक है, मेटामेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, है ना, बिल्कुल। कोर्डेट के अलावा खंडी वर्म किस में पाया जाता है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया जी, जी। तो इसमें आप लोग देखें कि कल भी डिस्कशन हुआ था कि नॉन कोर्डेट के अंदर जो है एनेलिड और ऑर्थोपोड्स के अंदर ये मेटामेरिज्म पाया जाता है, ट्रू सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, और मोलस्क इकाइनोडर्मेट के अंदर ये अब्सेंट होता है, ठीक बात है, जैसे ऑर्थोपोड में मेटामेरिज्म होता है और एनालिट्स में भी होता है लेकिन मोलस्क के अंदर ये नहीं होता है, तो इसमें पूछ रहा है कि किसमें है कोर्डेट के अलावा, तो आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड, फोर्थ आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 142 फिश व्हिच इरेडिकेट्स द वेक्टर ऑफ मलेरिया एंड एलिफेंटेसिस, तो मलेरिया की अगर बात करूं तो फीमेल एनोफिलीज हो जाएगा, एलिफेंटेसिस की बात करूं तो फीमेल एनोफिलीज की कुछ स्पीसीज के द्वारा भी है, ऐसा क्यूलेक्स के द्वारा भी है, ठीक है, तो ये जो लार्वा होते हैं इनके, फीमेल एनोफिलीज के लार्वा हो गया, क्यूलेक्स मॉस्किटो का लार्वा हो गया, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या खा जाने के लिए कौन सी फिश होती है, गंबूसिया फिश कहलाती है, याद करना बस, इसका नाम याद रखना है ना, लार्वी वॉर्स फिश, लार्वा का भक्षण करने वाली, लार्वा को खाने वाली फिश, ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सी लार्वीवोरस फिश है, तो आंसर चला जाएगा गंबूसिया। चले आगे जी, ये जो एनाबस है ना, इसको क्लाइंबिंग पर्च के नाम से भी जाना जाता है, क्लाइंबिंग पर्च,
कहाँ देखी जाती है ये? जो समुद्र के किनारे के जो पेड़ होते हैं उनकी टहनियों पर देखी जाती है ये। अब लोग बात करते हैं कि ये मछली है, मछली पेड़ों की टहनियों पर भैया कैसे पहुंच गई? तो एक्चुअल में क्या है, ये शोर पर आती है, किनारे पर आती है अर्थवर्म को फीड करने के लिए, ठीक है। और वो जो पक्षी होते हैं समुद्री पक्षी, वो फिर इनको जो है वो पिकअप करते हैं और पेड़ की टहनियों पर बैठकर इनको जितनी भूख होती है उतनी तो खा लेते हैं, बाकी मछली वहां पे छोड़ देते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि मछली पेड़ों पे चढ़ गई। हाँ, पेड़ों पे चढ़ गई, इसलिए कॉमन नेम क्या बोल दिया, क्लाइंबिंग पर्च कह दिया। चले आगे जी। Which of the following are referred as invertebrate chordate, जैसा भी बताया है, invertebrate chordate। तो ये protochordate है जिसमें urochordate और cephalochordate आता है, जिनके अंदर notochord तो थी लेकिन vertebral column develop नहीं हुई थी। तो वही example देखने अपने को urochordate और cephalochordate। तो जैसे dolichium हो गया, ascidia हो गया, ये तो urochordate हो गए और amphioxus cephalo हो गया। बिल्कुल, जिसको branchio storm, branchio lancelet भी बोला गया, है ना। तो आंसर फर्स्ट चला जाएगा, फर्स्ट चला। और बाकी इसमें क्या, इसमें तीनों ही गलत हो गए, इसमें तीनों ही गलत हो गए, बिल्कुल। इसको ले डाउन, भी तीनों गलत हो गए, ये तीनों की तीनों कार्टिलेजिनस होगी, प्रिस्टिस, ब्रैंकियोस्टोम, ब्रैंकियोस्टोम ठीक है, ये हां ये सही है, बाकी ये दो गलत है। बाकी ये तो पक्षियों में आ गया, और ये जो है ये यही है कि यूरो और सिफेलो के एग्जांपल याद रखना, यूरो और सिफेलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 144। पोइक्रोथर्मल एनिमल हैविंग सिंगल ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल इन स्कल बिलोंग टू द क्लास। तो अभी पहले भी अपने बात की थी, एम्फीबिया और मैमल्स की बात करें तो डाइकोंडाइलिक कहलाती है, बाकी फिशेज की, रेप्टाइल्स की, एविज की बात की जाए, पक्षियों की बात की जाए तो मोनोकोंडाइलिक कहलाती है। इसमें आप देख लें कि एम्फीबिया डाइकोंडाइलिक होती है, मैमलिया डाइकोंडाइलिक होती है, एविज जो है वो कैसे है, मोनो तो है लेकिन पोइक्लोथर्मल पूछा है इन्होंने, तो ये तो होमियोथर्मल या एंडोथर्मल हो गया, तो आंसर चला जाएगा सेकंड, ठीक है। चले आगे जी सर। Which one of the following animal is correctly merged with its particular membrane taxonomic category? ना उनसे जो है ये labeling किया हुआ correctly। तो housefly को अगर देखें तो musca domestica, domestica। तो musca genus है और यहाँ पर order दे रखा है इसलिए ये वाला musca domestica। domestica। तो ये तो हो गया जीनस, ये हो गया स्पीशीज, जीनस अलोंग विद स्पीशीज दोनों मिलकर क्या बनाते हैं साइंटिफिक नेम का फॉर्मेशन। फिर अगला जो है वो टाइगर के टिग्रिस जो है वो जीनस दे रखा है, पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा टिग्रिस, बिल्कुल बिल्कुल। तो पेंथेरा जो है वो जीनस होता है इसलिए ये वाला भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया, पेंथेरा टिग्रिस। और कोई बच्चा अगर 11th का या 12th क्लास का दे रहा जो देख रहा हो इस वीडियो को, वो आप जरूर याद रख लेना, जहां भी साइंटिफिक नेम लिखा जाता है जीनस का पहला लेटर कैपिटल आता है और स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल आता है, वैसे जो मेडिकल का बच्चा है उसको ये सारी नॉलेज है, ठीक है। लेकिन कोई स्कूल का बच्चा भी अगर देख रहा हो तो वो याद रखना है जी। आगे फिर है कटलफिश मोलस्क, ठीक बात है लेकिन क्लास नहीं है, क्लास नहीं है, फाइला है ये, फाइला है ये, फाइलम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ये वाला भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। क्लास की अगर बात करें तो वो आपका सिफेलोपोड्स, सिफेलोपोड्स आ जाएगा, सिफेलोपोड्स, बिल्कुल ठीक बात है। ह्यूमन के लिए फिर देखा है कि प्राइमेट आयन ऑर्डर ये वाला जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चले आगे जी सर। 146। In which one of the following genus name its two characters and its class या phylum are the correctly matched? एडम्सिया की बात हो रही है तो जीनस के नेम की बात कर रहे हैं इधर, तो नो डाउट जीनस के नेम के अकॉर्डिंग दिया है तो एडम्सिया हो गया, और एडम्सिया किसमें बिलोंग करता है, सिलेंट्रेट्स, ठीक है। तो नीडोब्लास्ट पाई जाती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिलेंट्रेटा बिल्कुल होता है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। आपने पूछा क्या है, करेक्टली पूछा है तो पहले ही आंसर चला गया, क्रॉस चेक कर ले जी। एस्करिस की बात करें, बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड, सुडो सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड अपन बताते हैं, वैसे सुपरफिशियल है, हां सॉरी सुपरफिशियल सेगमेंट, नॉर्मली अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड एनसीआईटी में अगर अपन लोग जी जी बिल्कुल, मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, ये ठीक है लेकिन ये वाला गड़बड़ है, हां इसकी वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है मेल फीमेल अलग, और इधर एनेलिडा नहीं आना चाहिए था, क्या नाम है, एच के हेलमिंस आना चाहिए था, ठीक है। फ्रॉग की अगर बात करें, टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, सबसे बाहर की ओर केवल टिम्पेनम पाई जाती है, सही बात है, एक्सटर्नल ईयर की प्रेजेंस नहीं देखी जाती है जी। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल नहीं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल होता है एक्वेटिक हैबिटेट में, बाकी एम्फीबिया सही है बिल्कुल। टेरोपस की बात करें, चमगादड़ हो गया, चमगादड़ है, मैमल है, स्किन पजेस दी हेयर्स होते हैं, ओविपेरस, वीवीपेरी, वीवीपेरी, ये वीवीपेरी शो कर जाएंगे, ठीक है, मैमलिया तो ठीक है, तो अपना आंसर फर्स्ट लगा गया। चले आगे जी जी सर। ऑल ऑफ देम आर करेक्टर ऑफ एम्फीबिया एक्सेप्ट कि एम्फीबिया में तीन इनके करेक्टर है, कोई एक नहीं है, तो कौन सा एक नहीं है। तो पहला कर देखें कि बॉडी इज डिवाइजेबल इनटू
हेड एंड ट्रंक, नेक नहीं आएगा, नहीं होते हैं। जी जी तो ये वाला तो यहाँ पर गलत हो गया। बाकी स्केल्स जो है उनकी बॉडी पर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जो एपोडा होते हैं सिसिलियंस, उनके अंदर इंटरनल स्किन के नीचे स्केल्स हो सकते हैं। नॉर्मली इनको ये बताना स्केल्स अपसेट होते हैं, ठीक बात है। हर्ट जो होते हैं वो थ्री चैम्बर्ड है, सही है, और पोइकिलोथर्मस कहलाते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन बॉडी का नहीं पाया जाता है, एबिलिटी नहीं पाई जाती है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? पहला इनका करेक्टर नहीं है, नेक बता देना। तो नेक तो पाई ही नहीं जाती, हेड और ट्रंक ही मिलता है। हेड एंड ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड होती है। 148 देखें बच्चों, Which of the following is a chordate feature not shared by the non-chordate? तो chordate का लक्षण है लेकिन non-chordate में नहीं है। तो triploblastic तो भैया platyhelminth से चालू हो गई, तो ये बात तो गलत होगी। Triosylom की बात करूं, annelida से चालू हो गया, तो ये बात भी गलत होगी। Bilateral symmetry platyhelminth से चालू हो गई, तो ये बात गलत होगी। Notochord केवल कहां पाई जाएगी? Chordate में, और कहां नहीं मिलेगी? Non-chordate में नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो आंसर चला जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर। करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हर्डमानिया जो है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो हर्डमानिया जो है वो कॉर्डेट के अंदर सब फाइलम वन जो है, यूरोकॉर्डेट उसका मेंबर है। तो, जी जी, तो जैसे अपन देखें तो कॉर्डेटा और उसके बाद में प्रोटोकॉर्डेटा, मतलब एक्रेनिएट, एक्रेनिएट, और इसके अंदर फिर यूरोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट। तो ये परफेक्ट है, बिल्कुल। एनसीईआरटी में भी ये दिया है, आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, cyclostomates have an elongated body bearing कितने होते हैं? 6 to 15 pair of gill slits for the respiration पाए जाते हैं इनमें, ठीक है। 5 to 7 pair की अगर बात करें तो कौन चला जाएगा? Contactees चला जाएगा। 4 pair की अगर बात करें तो ostactees की बात हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर cyclostomates में जहाँ पर petromyzone आता है, mixin आता है, hagfish जिसको कहा जाता है, वो सारे किसमें आ जाते हैं? cyclostomates में। cyclo plus stomates, cyclo का मतलब राउंड और stoma का मतलब माउथ, सर्कुलर माउथ। तो सर्कुलर माउथ होता है, सकिंग टाइप का माउथ पाया जाता है इनमें, ठीक है। तो आंसर चला गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड पेयर ऑफ फिश एंड इट कॉमन? कॉमन है। तो जैसे स्कोलियोडोन डॉगफिश सही दिया है, और प्रिस्टिश जो है वो शॉ फिश है, आरा मछली, सिल्वर फिश दे दिया जो ऑर्थोपोड में अपन ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। लैपिस्मा इसे कहा जाता है, लैपिस्मा। ये नॉन कॉर्डेट है, ऑर्थोपोड के अंदर इंसेक्ट है। जी सर, जी सर। और बाकी कार्केडोन ग्रेट व्हाइट शार्क है ही, कॉन्ट्रीज है ये, मैरी ट्राइगोन जो होस्टिंग रे, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन कौन सा चला गया? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चले, मिसमैच पूछा था, हां मिसमैच ये हो गया अपना, सेकंड मिसमैच हो। 152 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट द शार्क की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके नीच टफ एंड कवर्ड विद प्लेकोइड स्केल, कॉन्ट्रीज की बात हो रही है, और नॉट पूछ रहा है, तो ये बात तो क्या है? सही है, शार्क के लिए सही है। हाँ, दे पजेस ए स्विम ब्लैडर विच रेगुलेट दी बायोंसी, नहीं, ऑस्टिक्टीज में पाया जाता है, तो ये बात क्या होगी? गलत होगी, ठीक है। द टेल ऑफ शार्क इज हेट्रोसर्कल, अपन ने पहले ही बात की थी, ये कैसी होती है? हेट्रोसर्कल टाइप की टेल पाई जाती है, तो ये बात क्या है? करेक्ट है। एम्पुला ऑफ लोरेंजियन इज प्रेजेंट एट स्नाउट ऑफ द शार्क एज ए थर्मो रिसेप्टर, इनकी जो स्नाउट वाला पार्ट होता है, ये नोज वाला जो पार्ट कहलाता है, यहाँ पर थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। टेम्परेचर सेंसेशन के लिए एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना भैया इसको, ठीक है। तो ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। इट हैज 5 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स कवर्ड बाय द ओपरकुलम, ये रॉन्ग, नहीं कवर्ड बाय द ओपरकुलम, अनकवर्ड है ये, हां, नॉन ओपरकुलेटेड गिल्स कहलाते हैं। कहने का मतलब है इनकी बॉडी पर जो है वो अपने को बाहर से ही क्या देखने को मिलता है? गिल स्लिट्स बाहर से ही नजर आते हैं। ये बॉडी होगी, इसका वेंट्रल माउथ कहला जाएगा, और गिल स्लिट्स जो है वो साफ साफ अपने को इस प्रकार दिखाई देती है, ठीक है बच्चों। तो कौन सा रॉन्ग हो गया? नॉट ट्रू है, तो बी और ई, और बी एंड ई ऑप्शन नंबर 3, ठीक है बच्चों। चलें, Which fish possesses poison sting? इसे पहले वाला 153 था ना? जी। नहीं, 153 छोड़ दिया अपने। अच्छा, skip हो गया। कोई skipping हो गई। तो अगला question जो है बच्चों अपना 153 रहेगा। जी। Which one of the following pair of animals comprises jawless fish? मतलब cyclostomata जो class है उसके member की बात। उसके member की बात कर रहे हैं। इसमें petromyzone, lamprey और hagfish। Hagfish mix in आ जाता है ना? ये भी फिश है, बिल्कुल, और हैगफिश होगी, माइगजीन जिसको बोलते हैं।
और ये कहलाती है मैरी, ठीक है। बाकी दोनों साइक्लोस्टोमेट्स के मेंबर कुछ अंतर है, जैसे ये जो है यूनिसेक्सुअल है, ये बाइसेक्सुअल होती है, बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और इसमें इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा होता है, एमोगोइड लार्वा, एमोशेड लार्वा, ठीक है। इसके अंदर जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसमें लार्वल स्टेज नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल, ये माइग्रेशन करती है, ये माइग्रेशन नहीं करती, नहीं करती है, ये कुछ इसके अंदर डिफरेंस। चले आगे 154 रहेगा। Which fish possesses poison sting? Poison sting की बात हो रही है, इसका मतलब कौन सी होती है? Trigon। और वो पहले मैंने बताई थी, dorsal fin जो है वो इसके respect में हो रहेगा। Predaceous fish है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी Pristis sawfish बताया हुआ है, Carcharodon। Great white shark हो जाती है। Electric ray। इसको electric ray कहा जाता है, ठीक है? और ये जो है अपने सराउंडिंग में अप्रोक्सीमेट 100 वोल्ट का जो करंट है वो प्रोड्यूस करती है। इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो मसल का ही मॉडिफिकेशन, मसल का मॉडिफिकेशन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है, आपने अच्छा अच्छा किया, याद दिला दिया मेरे को, मसल के मॉडिफिकेशन से इनका इलेक्ट्रिक ऑर्गन बना होता है, किसका? टॉर्पिडो का, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक रे, ठीक है। 155 जी सर। फोर विंग इन कॉकरोच अराइज फ्रॉम, तो फोर विंग की बात करें तो अभी अभी कॉकरोच का डायग्राम बनाया था, हेड, फिर थोरेक्स, थोरेक्स में प्री मेसो प्रो मेसो मेटा था, और ये एब्डोमेन वाला पार्ट है, बिल्कुल। तो जो विंग्स जो हैं वो आपका मेसो से टैग्मिना जो उड़ने में हेल्प नहीं करते, बिल्कुल, बिल्कुल। और मेटा से जो है रियल विंग जो मेम्ब्रेनस होते हैं मेम्ब्रेनस करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि फोर विंग, तो फोर विंग जो है वो मिडिल थोरेक्स वाले पार्ट से, तो आएगा अपना आंसर मेसो। अगर मेसो थोरेक्स नहीं देता तो फिर आपको देता, इसको प्रोनोटम कहा जाता है, इसको मेजोनोटम कहा जाता है, इसको मेटानोटम कहा जाता है। तो एक नाम लिख देते हैं अपन प्रोनोटम, ठीक है। तो प्रोनोटम कह दो, मेजोनोटम कह दो, मेटानोटम कह दो। ये जो आपने यतेंद्र सर ने बताया आपको फॉरविंग, इसका जो दूसरा नाम है वो जरूर याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी फोकस किया इसको टैग्मिना, टैग्मिना कहा जाता है, ठीक है। और टैग्मिना की कैरेक्टरिस्टिक जरूर याद रखेंगे आप, कैसा होता है, लेदरी कहलाता है और ओपेक कहलाता है, अपारदर्शी होता है, ठीक होता है, और उड़ने में हेल्प नहीं करता है, विंग शील्ड कह सकते हैं, जो उड़ने वाले विंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ओपेक अपारदर्शी, ठीक है। तो रेस्टिंग कंडीशन के दौरान ये जो मेम्ब्रेनस विंग है, इन मेम्ब्रेनस विंग को कवर करने का काम करता है ये, ठीक है। कवर करने से मतलब हो गया कि एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनसे बचाने का काम करेगा इसको, ठीक है। तो ये बात हो जाती है इसकी टैग्मिना की। चले आगे जी। 156 क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल आर एमनियोट्स, एमनियोट्स कौन होते हैं? राम एमनियोट्स कहलाते हैं भैया, ठीक है। रेप्टाइल एविज और मैमल्स क्या होते हैं? एमनियोट्स कहलाते हैं। राम कौन सा है इसमें? रेप्टाइल एविज और मैमल्स, रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। चले आगे, कौन सा है पहले बता रखा? बिल्कुल बिल्कुल जी सर। स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स इन स्किन कास्ट, है ना, जिसको मोल्टिंग भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। एक्डाइसिस जी जी, ये जो है इनकी जो एपिडर्मिस है इसमें सबसे बाहर के लिए जो कॉर्निफाइड सेल्स होती है वो रिमूव होती है, ठीक है। पूरी की पूरी एपिडर्मिस रिमूव नहीं होती है, तो इसलिए डर्मिस तो होना नहीं है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये पूरी नहीं होती, इसकी आउटर जो डेड सेल्स होती है कॉर्निफाइड उनका जो है रिमूवल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है स्टेटम जर्मिनेटेरियम, ये सबसे नीचे वाली हाईली डिवाइडिंग लिविंग सेल एपिडर्मिस की, तो ये होनी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो एपिडर्मिस हो गए, उसी का ही एक पार्ट कॉर्निफाइड कहला गया। जब ये अपने स्किन को कास्ट करते हैं तो केवल कॉर्निफाइड को ही रिलीज आउट करेंगे, एपिडर्मिस कंप्लीटली रिलीज आउट नहीं होगी, और सबसे अंदर जो बॉडी वॉल में पाई जाने वाली है वो एपिडर्मिस का सबसे लोअर जो पोर्शन है वो कौन सा हो जाएगा? स्टेटम जर्मिनेटिवम कहलाता है, ठीक है। चले आगे 158 रहेगा बच्चों। एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका कहलाता है ये? तो भैया ये सिफेलोपोडेट का करेक्टर ये कहलाता है, और सिफेलोपोडेट मतलब ब्रैंकियोस्ट्रोम कह दो, या इसी को या दो, इसी को एम्फियोक्सिस का, या इसे ही लेंस के जैसा आकार होता है, पॉइंटेड एंड होते हैं, पॉइंटेड एंड कहलाते हैं दोनों ही इस टाइप के, ठीक है। तो एक ही मेंबर के नाम है, अलग अलग तीन नहीं है, हाँ एक ही मेंबर के नाम है, एनसीईआरटी ने तीनों को मेंशन किया है सर, ऑल ऑफ दी चला जाएगा। नेक्स्ट 159 जी सर। एक क्रेनिएटा इंक्लूड, एक क्रेनिएटा मतलब जिनके अंदर क्रेनियल बॉक्स नहीं है, ए का मतलब तो हो गया अब्सेंट, और क्रेनिएटा का मतलब हो गया क्रेनियम जी जी। और जो प्रोटोकॉर्डेटा होते हैं ये एक्रेनिएट्स होते हैं, और इनके अंदर सब फाइलम यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट आ जाते हैं, ठीक बात। तो ये अपन इसमें तीनों को ही फिर ले लेंगे, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा आंसर अपना। 160
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मैमल्स द टेस्टिस आर इंट्रा एब्डोमिनल, ठीक है, इसका मतलब तो ये सर ये हो गया कि इनके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर तो रिक्वायर्ड है, लेकिन वो उनको बॉडी के अंदर ही बॉडी टेम्परेचर जो है उस पे स्पर्मेटोजेनेसिस में हो जाता है ठीक है। ऐसा किस में देखा जाता है? एलिफेंट में देखा जाता है, डेल्फिनस, ऑर्निथोरिंकस। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एक्वेटिक मैमल, एग लेइंग मैमल और एलिफेंट। एग लेइंग मैमल हो गई, एक्वेटिक मैमल और क्रिटेशिया जो ऑर्डर है उसका, और एलिफस एलिफेंट हो जाता है, ठीक है। इनमें स्क्रोटम अब्सेंट होता है, स्क्रोटम की अब्सेंस देखी जाती है, अब्सेंस ऑफ स्क्रोटम, क्योंकि टेस्टिस जो बॉडी कैविटी के अंदर ही होते हैं, अब्सेंस ऑफ स्क्रोटम, क्योंकि सुनील जी इनका कुछ बॉडी का टेम्परेचर भी कम होता है। हाँ, जनरली जो अपन जैसे ह्यूमन के रेस्पेक्ट में बात करें तो उसके रेस्पेक्ट में कम ही पाया जाता है, ठीक है। इनका बॉडी टेम्परेचर कम है इसलिए वो इवोल्यूशन के दौरान बॉडी के अंदर ही है, जरूरत नहीं पड़ी। जी जी जी, चले आगे। जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन बोथ वेल एंड फ्रॉग, मतलब एक तो मैमल है और एक एम्फीबिया है, है ना, तो दोनों में कॉमन पूछा है, तो फोर चेम्बर्ड हार्ट तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फोर है तो यहाँ पर थ्री है ना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें तो है लेकिन इसमें एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है वाला भी नहीं होगा, नहीं होगा। न्यूक्लिएटेड आरबीसी फ्रॉग में तो है लेकिन मैमल में नहीं है, मैमल में एक्सेप्शन बच्चे कैमल और लामा, कैमल एंड लामा वो मैमल है जिनमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी। और यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन हो जाएगा, मतलब एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, यूरिया दोनों के अंदर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो चलें आंसर चला गया ऑप्शन नंबर 4 ही ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 162, which of the following character is generally absent in chordates की बात कर रहा है, mesodermally notochord essentially appear in the life, बिल्कुल निश्चित बात है कि जरूरत पाई जाएगी चाहे embryonic life में क्यों ना present हो। mouth developed from blastopore of the gastrula, अगर blastopore से mouth develop हो रहा है तो ये तो protostom कहलाते हैं, protostomata, mouth का development blastopore के अलावा और कहीं से होता है तो फिर ये क्या कहलाता है, deuterostom, तो chordates तो deuterostoms में आते हैं भैया, echinodermate से deuterostomate start कर, बिल्कुल, तो ये जो mouth develop from blastopore ये तो लाइन है, इसका मतलब होता है प्रोटोस्टोमेट, प्रोटोस्टोमेट, लेकिन कॉर्डेट कैसे हैं, ड्यूटेरोस्टोमेट, तो आंसर चला जाएगा ये, रेडियल क्लीवेज पाया जाता है, नर्व कॉर्ड एक्टोडर्मल होता है, होलोडी और डोर्सल, डोर्सल पाई जाती है, ठीक है जी सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कॉर्डेट करेक्टर, है ना, अपीयरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग ऑल और सम स्टेज ऑफ लाइफ, ये कंसीडर करेंगे, बिल्कुल, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड इन पेयर्ड फॉर्म नहीं है, अनपेयर्ड, सिंगल सिंगल होती है, बिल्कुल, बाकी फेरिंजियल गिल स्लिट अपीयर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, पोस्ट एनल टेल होता है बैलेंस के लिए और वेंट्रल हर्ट मौजूद होता है। तो आंसर कौन सा लगेगा, ऑप्शन नंबर 2, लास्ट क्लास में इनको बताया भी था, फंडामेंटल तीन करेक्टर के अलावा ठीक बात है। अभी अभी हमने जो डिस्कशन किया है उसी का ही रिजल्ट है। Some of these have cranium in the simple form. जी, cranium होता ही नहीं। एक craniata है ये, ठीक है? तो ये बात क्या होगी? गलत और आंसर भी यही चला जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। One of these have persistence of all three basic chordate character. और वो ये। हाँ। तो branchiostom में अपने क्या बोला था? Throughout the life रह जाती है। Gill slits भी हैं। हाँ। Nerve cord भी। बिल्कुल। और आपका notochord भी present। Notochord भी present है, ठीक है? तो ये बात क्या होगी? ठीक है? Most of them have notochord in the larval tail, most का मतलब है मतलब इन तीनों की larval stage में notochord है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर चार एग्जांपल दिए हैं और चार में से तीन में क्या है, larval stage में notochord पाई जा रही है, और इन तीन की larval stage में adult में नहीं है गायब। हाँ, adult में नहीं है, इसमें throughout life, throughout the life है। चलिए आगे। जी सर, which of the following animal has primitive reptilian skull without temporal fossa, है ना, तो ये जो है इनके अंदर दो सब क्लास है, anapsida और diapsida, रेप्टाइल्स हो गए, एक कहला गया एनेप्सिडा, एक कहला गया डायप्सिडा। तो ये क्लासिफिकेशन भी मॉड्यूल के अंदर दिया है, आपको अच्छे से देखना है। एनेप्सिडा का मतलब है? इसके अंदर टेम्पोरल फोसा जी, सब क्लास अपन कह सकते हैं, सब क्लास किलोनिया हो जाएगा, किलोनिया, किलोनिया, इसके अंदर किलोन और टेस्टुडो, है ना,
टर्टल और टॉर्टोइज़ किलोनिया तो हो गई सरप्लस क्यों ये देते सर जी और ये रेप्टिलिया क्लास है इसके अंदर ये एनेप्सिडा डाइप्सिडा ये क्या कहला जाती है एक मिनट ये सब क्लास होगी हाँ वही तो ये सब क्लास होगी ये कहला जाती है सब क्लास दो सब क्लास होती है इसकी जी जी ठीक है और अपने को पता है के पी सी ओ क्लास की बात क्या आता है ऑर्डर तो ऑर्डर क्या हो गया इनका किलोनिया कहला गया किलोनिया में दो एग्जांपल अपने बन जाएंगे एक किलोन बन जाएगा किलोन और एक टेस्टुडो ना टेस्टुडो बन जाएगा टर्टल और टॉर्टोइज तो किलोन जो है वो तो मेराइन होता है जिसको टर्टल कहा जाता है टेस्टुडो जो है वो टॉर्टोइज कहलाते हैं तो इनकी जो सुनील जी टेम्पोरल बोन है ना इसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं है इसलिए इनको एनेप्सिडा बोला बिल्कुल बिल्कुल और इनके अंदर जो दो ओपनिंग प्रेजेंट हुई टेम्पोरल बोन में स्कल की TF का मतलब है टेम्पोरल फोसा एब्सेंट हो जाएगा और यहाँ पर टेम्पोरल फोसा पाया जाता है तो आंसर जो है वो बिल्कुल सही कहा आपने मैं तो अभी मैच ढूंढ लेता इसमें से लेंसलेट सोलेनोसाइट फ्लेम सेल सही है सही डोलियोलम न्यूरल ग्लैंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है इनकी याद रखना ठीक है बेटा मेसोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है बिल्कुल हाँ बेटा मेसोनेफ्रिक फिश है हाँ और टेरोफिलम की बात करें ये भी फिश कहलाती है प्रोटोनेफ्रिडिया नहीं यहाँ पर भी क्या आना चाहिए मेसोनेफ्रिक किडनी मेसोनेफ्रिक किडनी ही आंसर हो गया फोर्थ जी जी सर सुपर क्लास टेट्रापोडा बी आर लिम्स बट देयर आर सम एक्सेप्शन है ना Choose the group of exception जिसके अंदर limb नहीं है ये amphibian भी हो सकते हैं कुछ reptile भी हो सकते हैं ठीक है ना तो reptile में कुछ सांप हो सकते हैं और amphibian में limbless amphibian हो सकते हैं ठीक है तो salamandra में तो limbs हैं है ना और ये तो नहीं होगा नहीं होगा heloderma जो है ichthyophis जो है इसके अंदर limbless नहीं है ये limbless amphibian है इसके अंदर कैम्बियम ये लिंब पाए जाते हैं ट्री लिजार्ड कहलाती है इसमें लिंब्स जो है वो प्रेजेंट है तो ये भी आंसर नहीं बिल्कुल बिल्कुल ये तो मैमल हो गए और फिर ये देखो लिंबलेस एम्फीबियन ये स्नेक और ये जो है ओफियोसोरस ये लिंबलेस लिजार्ड ग्लास लिजार्ड ग्लास ग्लास लिजार्ड के नाम से भी जाना जाता है ठीक है कांच के जैसी चमकती है ये एकदम चिकनी चिकनी ट्रांसपेरेंट होती है सुपर क्लास इधर तो कौन सी आ जाएगी पीसी और इधर टेट्रापोडा आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला गया तो ये एनसीईआरटी में दिया सिंपल सा एनसीईआरटी में जी यतेंद्र सर नेक्स्ट क्वेश्चन एजॉर्ड वर्टिब्रेट डिस्कवर्ड फ्रॉम ओशियन विद परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड ओके विदाउट ऑपरकुलम एंड टीथ फॉर्मड बाय मॉडिफाइड प्लेसा मतलब कोंड्रिक्टीज की बात कर रहे हैं ना तो कौन से ग्रुप में आप इसको रखोगे तो सीधा सा आंसर हो जाएगा अपना इसमें कोंड्रिक्टीज ऑप्शन नंबर सिंपल सा क्वेश्चन ठीक है तो आंसर चला गया ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 170 The vertebrate with indirect development, larval stage पाई जाती है. Larval stage का मतलब कौन सा हो गया? ये amphibia में larva पाया जाता है. कौन सा हो गया? Tadpole larva. Tadpole larva की presence. अगर chordate में indirect development पूछे, बिल्कुल. ये तो सब phylum third हो गया ना? ठीक बात है. Chordate में पूछे तो urochordate में indirect होता है. Indirect होता है. Cephalochordate में indirect होता है. Indirect होता है. Vertebrate के अंदर जो है अग्नेथा, उसमें cyclostomata जो क्लास है उसके अंदर पेट्रोमाइजोन में इनडायरेक्ट है पेट्रोमाइजोन में इनडायरेक्ट है माइक्सिन में डायरेक्ट है डायरेक्ट है फिश में ठीक है फिर अपन गनेथा में बात करें तो सुपर क्लास स्पीशीज के अंदर डायरेक्ट डायरेक्ट हो गया टेट्रापोडा में एम्फीबियन में इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया बाकी सब में डायरेक्ट हो जाए कोई लार्वा तो ये चीज याद रखनी बिल्कुल देखो अल्टीमेटली यतेंद्र सर क्या सार बना के देते हैं आपको इन सार को जो है कॉपी में जरूर उतार लेना भैया ठीक है जी क्वेश्चन नंबर 171 रहेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एम्फीबियन व्हिच ऑफ दीज करेक्टर आर एप्लीकेबल फॉर ऑल एम्फीबियन सभी के लिए लागू होनी चाहिए सारे एम्फीबिया के लिए थ्री चेंबर हेड ठीक है एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट एक्सोस्केलेटन नॉर्मली अगर देखे तो नहीं नहीं है बिल्कुल
टेल इज अब्सेंट नहीं साहब, टेल एम्फिबिया जैसे सैलामेंडर की अपन बात कर रहे तो ये गलत हो जाएगा। यूरोडिला के अंदर टेल, और ये होमियोथर्मल की बात कर रहे हैं तो ये कैसे पोइकिलोथर्मल कहलाते हैं। इसमें क्या पूछा है? और ये कह रहा है रिगार्डिंग व्हिच ऑफ दीस कैरेक्टर आर एप्लीकेबल, है ना, ए एंड बी एप्लीकेबल है, ए एंड बी एप्लीकेबल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला गया, फर्स्ट चला चले आगे जी सर। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी बेस्ड ही एक क्वेश्चन है, इसमें कॉकरोच की लेबलिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, ए बी सी और डी और ई के लिए ना। तो जैसे ए की बात करें तो जैसा आपने अभी भी बताया भी था, प्रोनोटम, प्रोनोटम थोरेक्स का सबसे पहला भाग, बिल्कुल, अगर प्रोथोरेक्स नहीं दे तो प्रोनोटम वर्ड देगा, इसका मतलब ए तो मीजो तो नहीं आना चाहिए भैया, तो प्रो आना चाहिए, बी में क्या आना चाहिए, बी में मीजो आना चाहिए, मीजो आना चाहिए, इसका मतलब है मेटा भी नहीं होगा तो ये मीजो आ गया, सी मेटा आना चाहिए, सी जो है मेटा आना चाहिए, डी टैगमिना दिया हुआ, देखो देखें क्या जो है टैगमिना जो आगे वाले मीजोविंग, मीजोविंग तो ये सही है, और ई एनएल स्टार एनएल सरकाई सर्कस सर्कस एनएल सर्कस हो जाएगा सर जो है वो तो हो जाएगा बिल्कुल थर्ड ऑप्शन नंबर थ्री चला जाएगा। यहाँ पर जरूर याद रख लेना एनल सरकाई मेल में भी प्रेजेंट है फीमेल में भी प्रेजेंट है, लेकिन एनल स्टाइल वो स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म करवाती है, ये केवल मेल का पार्ट, केवल मेल का पार्ट है, ठीक है, इसको इस प्रकार याद कर लेना, स्टाइल कौन मारता है मेल नहीं क्या। चले आगे 173 जी सर, विच ऑफ द लार्वा इज इनकरेक्टली मेल्ड है ना, लार्वा की बात की है तो इसमें बच्चों को लार्वा याद होना चाहिए, लार्वा याद होना चाहिए, एसीडी है तो टैडपोल लार्वा, हाँ इसका इसका भी नाम भी एसीडी है टैडपोल लार्वा ही, जी जी तो सही है, पेट्रोमाइजोन में एमोगॉइड होता ही, एमोशेड लार्वा ठीक है, फिर एस्केरिस में रैपिडिटी फॉर्म लार्वा प्रेजेंट होता है, रैपिडिटी फॉर्म फर्स्ट सेकंड ऐसे लार्वा होती है, बिल्कुल बिल्कुल, प्लूरोब्रैंकिया में टॉर्नेरिया नहीं है, टॉर्नेरिया ए बेलेनोप्लास बेलेनो है, एमोगॉइडेट का है बेलेनोप्लास, सिडिपिड लार्वा क्या ले दिया, बेलेनो बेलेनो ग्लोसस ठीक है, और ये टिनोफोरा है, टिनोफोरा सिटीपिड लार्वा, ये तो बहुत बार बता दिया अपने, हाँ सिटीपिड लार्वा इसका कहलाता है, अरे भैया ओके चले आगे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव फोर लिंब और हैंड लिंब, किसमें नहीं पाए जाते हैं, तो लिंबलेस की बात करनी है, राना में है, राना में नहीं, हाइला नहीं, बुफो लिंबलेस एम्फीबियन हो गया, तो लिम्बलेस ये चारों एग्जांपल एम्फीबिया के हैं, और चारों एम्फीबिया, ये एपोडा है, हाँ बिल्कुल, और ये जो है एन्यूरा है तीनों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड जो ऑर्डर जी 175 जी सर, स्क्यूट्स की बात हो रही है, मतलब ये रेप्टिलियन फीचर है, हाँ रेप्टाइल्स के अंदर अगर अपन देखें तो स्केल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे टर्टल टॉर्टोइज उनकी बॉडी स्क्यूट्स होते हैं जो थिक होते हैं, ठीक होते हैं है ना, तो इसमें सीधा सा आंसर है टेस्टुडो, टेस्टुडो चला जाएगा, ठीक है, बाकी जो ऑर्डर स्केल्स होते हैं ऑर्डर किलोनिया, हाँ जी एनेप्सिडा, एनेप्सिडा ठीक है, सिंपल सा है, इन जैसे इन चीजों को आपस में एक दो जने बैठ कर इनको, अगर आपके छोटे भाई बहन है ना तो उनको भी चुपचाप पकड़ के एक चॉकलेट देके बैठा लिया करो, और उनको एक आग्रह मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको सुनता जाता हूँ, तो इस प्रकार ये चीजें याद हो जाएंगी आपको, अरे समझ गए, चले आगे 176 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए क्रीपिंग वर्टिब्रेट, मतलब रेप्टाइल की बात, रेप्टाइल की बात हो रही है, ठीक है, रेंग कर चलने वाले, लेकिन ये कह रहा है नॉट, इसका मतलब रेप्टाइल के अलावा ढूंढ लो भैया, एलिगेटर रेप्टाइल है, एप्टिनोडाइट्स बिल्कुल ये हो जाएगा, हां ये हो जाएगा, ठीक है, और पेंगुइन, पेंगुइन हेमिडेक्टाइलस रेप्टाइल है, वॉल लिजर्ड, वॉल लिजर्ड हो गया, और ये स्नेक, ये स्नेक का आंसर थर्ड हो गया, तो ये तीनों ही क्या है 1 2 4 तीनों ही क्रीपिंग कहलाते हैं, रैंक कर चलने वाले हैं, लेकिन ये कैसा है, ये पेंगुइन है, ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 177 जी सर, Which of the following considered as a first group true terrestrial, अच्छा first true terrestrial reptile, reptile और first terrestrial की बात कर लेता तो और तब amphibia, amphibia और ऐसी plant में अगर बात हो जाती तो bryo, bryophyte पहला हो जाता, अच्छा और true, जी जी pteridae हो जाता, और ना ऐसा ही evolution में क्वेश्चन बनता है कि धरती पे water से terrestrial में सबसे पहले कौन है, evolution का तो उसमें भी plant आंसर देना है, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले अर्थ में टेरिस्ट्रियल जो हैबिटेट है उस पे प्लांट्स हैं, बिल्कुल, अगर कंपैरिजन हाँ। मतलब प्लांट्स और एनिमल का भी कंपैरिजन हो जाए तो फिर कौन है, प्लांट्स है जी, प्लांट्स है, अच्छा रेप्टाइल ही फर्स्ट ट्रू टेरिस्ट्रियल क्यों है, ऐसा सक्सेस इनको क्यों मिली इसमें, क्योंकि एक तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बिल्कुल, दूसरा इनमें क्लेडोइक है, क्लेडोइक एग पाए जाते हैं, बिल्कुल, तो इसलिए ये अडेप्ट हो पाए और सक्सेसफुली जो है टेरिस्ट्रियल
फर्स्ट इनवर्टिब्रेट बन पाए। बिल्कुल, इनवर्टिब्रेट बन टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए फर्स्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मिट्टी में गैमेट छोड़ दिए जाते, तो कैसे मूव कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर केमोटेक्टिक मूवमेंट की तो बात कर ही नहीं सकते ना अपन। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में टेम्परेचर ज्यादा है, तो एक सेल जो एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करता है। बिल्कुल, सीएसओ तरीके होती है। जी जी जी। और एमनियोन भी अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड है, जिससे एम्ब्रियो को लगता है कि उसके चारों तरफ फ्लूइड ही है, वाटर ही है। डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो से प्रिवेंट करवाता है, एम्ब्रियो को शुष्क होने से बचाता है। कौन? एमनियोटिक फ्लूइड। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बता देंगे। चलिए आगे जी। 178 The figure given below shows the head region of the cockroach. Identify the structure. बिल्कुल, ये NCERT में NCERT का डायग्राम है। जी जी जी। तो एक ही बात करें तो ये ओसिलाई हो जाएंगे क्या? ओसिलस। हाँ, ओसिलस हो जाएंगे। सिंपल है, मतलब ये तो नहीं होगा। क्या B कंपाउंड आई दिया हुआ है? क्या B कंपाउंड? B कंपाउंड तीनों ही जगह कंपाउंड दिया हुआ है। ये क्या? अगला देखें, फिर C मैगजिला दिया हुआ है। C जो है वो मैंडिबल है, तो मैगजिला तो नहीं होगा। और मैंडिबल ये मैगजिला ये हटा दो, तो इन दोनों में से आंसर जाएगा यतेंद्र सर। हाँ, इसके बाद में डी जो मैगजिला, डी मैगजिला हो गया। बिल्कुल, मैगजिला दिया हुआ है। और ई लेबियम, ई लेबियम। और एफ जो है वो लेब्रम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 चला जाता है, ठीक है। एक मिनट सही है ई। हाँ, सबसे ऊपर लेबियम, फिर लेब्रम, लेब्रम, ठीक है ठीक है। एक मिनट अपर लिप तो लेब्रम कहलाता है, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, लेबियम कहलाता है। फिर जो है ये देखो, सी देखो, सी क्या दिया हुआ है? सी जो मैंडिबल है, सी मैंडिबल है, सही कह रहे हैं आप, सी मैंडिबल है। तो यहाँ पर अपन ने इसको रॉन्ग कर दिया ना। ये देखो, थर्ड के अंदर ए ओसिलस हो गया, और बी कंपाउंड आई हो गई, ठीक है, और सी मैंडिबल हो गया। फिर डी की अगर बात करें तो ये डी मैगजिला हो गया, मैगजिला हो गया। ई जो है वो लेबियम, ये ई लेबियम हो गया है ना। हाँ, नीचे वाला लेब्रम, लेब्रम। तो अपर लिप, लोअर लिप, बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 एनसीईआरटी का ही, उसमें लेबलिंग देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे जी। 179 रहेगा जी सर। फीदर बाइपेड्स, मतलब बर्ड्स की बात हो रही है, उसके लिए क्या पूछा है? ट्रू जो पूछा है करेक्टर उनके रेस्पेक्ट में, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा। हाँ जी, तो दीज आर फीदर्ड एनिमल्स, सही है। फोर लिम आर मॉडिफाइड इन लिम्स में, विंग्स में, विंग्स में, इसलिए ये वाला गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। हैंड लिम आर अडैप्टेड फॉर वेरियस फंक्शन, सही है, रनिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग ऑफ ब्रांचेस, क्लैस्पिंग ऑफ ब्रांचेस। लंग्स आर अडैप्टेड फॉर डबल वेंटिलेशन। एक मिनट, ये जो क्लैस्पिंग ऑफ ब्रांचेस है, इसके लिए एक वर्ड काम में लिया जाता है, पर्चिंग वर्ड काम में लिया जाता है। क्लैस्पिंग ऑफ ब्रांचेस के लिए एक वर्ड याद रख लेना बच्चों, पर्चिंग। जी, और डबल वेंटिलेशन ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एवेस्कुलर एग्स है, कि जो लंग्स हैं उनके साथ एवेस्कुलर एयर शेक प्रेजेंट होते हैं, तो एयर सबसे पहले इनके लंग्स में, एयर शेक में जाती है। बिल्कुल। और वो एवेस्कुलर होते हैं, तो वहां क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है, तो गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वहां से जो वो एयर है फिर लंग्स में जाती है। इसीलिए इनके जो एयर शेक है इनको नॉन रेस्पिरेटरी कहा जाता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर तो वो होगी जैसे लंग्स जो वैस्कुलर, बिल्कुल, यहाँ ब्लड कैपिलरीज होंगी, तो गैसेज का एक्सचेंज डायरेक्ट लंग्स से होगा, लेकिन इनके सराउंडिंग में कोई भी कैपिलरी नहीं पाई जाएगी, इसलिए इनको नॉन रेस्पिरेटरी या एवेस्कुलर कहा जाता है। जी, जी, ये वाला भी इसके अंदर सही है। और फिर ये होम्योथर्मिक है, होम्योथर्मिक ये वाला गड़बड़, ये गलत हो गया। तो करेक्ट पूछे ए और सी और डी, ए सी डी हो जाएगा, ए सी डी मतलब ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। 180 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बर्ड्स कैन फ्लाई, और फ्लाई की अगर बात करें तो एप्टिनोराइट्स पेंगुइन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये कर सकता, कोयल कर सकती है, एप्टिनोराइट्स नहीं कर सकता, नियोफ्रॉन कर सकता है, नियोफ्रॉन वल्चर कर सकता है, कर सकता है, पेवो पिकॉक कर सकता है, नियोफ्रॉन कर सकता है, दोनों ही कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें स्ट्रोथियो नहीं कर सकता, तो आंसर चलाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यतेंद्र सर कैसा रहा आज का? अच्छा रहा। तो बच्चों एंजॉय करें इन चीजों को, और ये मान के चले हमने जो एनिमल डाइवर्सिटी है, जो एनिमल क्लासिफिकेशन है, उसका लगभग सारा कॉन्सेप्ट अपने कर लिया है, लगभग। हाँ, अपन ने डिस्कस कर लिया बच्चों, अब इन पे डिपेंड है ना। हाँ, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में 40 क्वेश्चन रहेंगे, उसके नेक्स्ट में 36 क्वेश्चन रहेंगे,
तो ये जो 76 क्वेश्चन है ये हम थोड़े से इनसे डिफर मोड के थोड़े से लेकर आएंगे। वैसे तो सारा हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, तो काफी एंजॉय करें। हाँ, जिन बच्चों ने डायरेक्ट ये तीसरा देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इससे पहले वाले फर्स्ट और जो सेकंड वो बहुत अच्छी बात बताई। जो बच्चा इसको एनिमल किंगडम थर्ड को देख रहा है उससे पहले फर्स्ट और सेकंड और आ चुके हैं, क्योंकि वहां पर हमने जो है अलग अलग कंसेप्ट और भी बताए हुए हैं, ठीक है। बाकी आप इनको देखते रहे और कमेंट्स नो डाउट आपके आ रहे हैं, बहुत ही शानदार, मजा भी हमें भी आ रहे हैं और नो डाउट आपको भी आ रहा होगा, ठीक है। बेल आइकन जो है इसका वो सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब पे जाके आपको इस चैनल को CLCC करके यूट्यूब चैनल को और उसका बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना है, जिसकी वजह से जब भी हमारी तरफ से वीडियो आएगा तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बच्चों।